हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम सब हरिद्वार घूमने जा रहे हैं ट्रेन के द्वारा। अभी हम कार से रामगंज मंडी की तरफ जाएंगे, उसके बाद रामगंज मंडी स्टेशन से हम हरिद्वार ट्रेन में बैठेंगे। फुल स्पीड में चला रहा है भाई कार को। ये रामकाज मंडी आ गया। फुल एंजॉय के साथ बहुत मजा आने वाला है। जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए झालावाड़ के आसपास की वीडियो ला सकें। ये रामकाज मंडी स्टेशन आ चुका है। देखिए दोस्तों, हम स्टेशन के पास आ चुके हैं। ये स्टेशन का काम चल रहा है। हमने स्टेशन में अंदर एंट्री ले ली। ये झालावाड़ मेमो ट्रेन खड़ी हुई है। ये जा चुकी है मेमो ट्रेन। अब हमारी ट्रेन का टाइम हो रहा है। हमारी ट्रेन उस प्लेटफॉर्म पे आएगी, सेकंड नंबर वाले पे। हम फर्स्ट पे खड़े हैं। अब हमको उधर चलना चाहिए ताकि हमारी ट्रेन को हम कवर कर सकें। उत्तराखंड में बहुत ही अच्छा लगता है। वहाँ का मौसम बहुत ही शानदार है, इसलिए हमने उत्तराखंड जाने की सोची। हरिद्वार जाने की। यूट्यूबर हरिद्वार जा रहा है आपका। ट्रेन आ चुकी है गाइस, देखिए ट्रेन आ चुकी है। मुझे मोबाइल बस थोड़ी देर बंद करना पड़ेगा गाइस। मैंने आधी वीडियो काट चुका हूँ क्योंकि उसमें तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आता। डायरेक्ट मैं कोटा से लेऊंगा। अब कोटा से मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अब कोटा स्टेशन आने वाला है, रामगंज मंडी से कोटा। कोटा बहुत ही फेमस सिटी है। ये कोटा स्टेशन आ चुका है और इसी के साथ हम कोटा पहुंच चुके हैं। दिलशान की बेटी है, आपका दोस्त आपको कोटा घुमाएगा। कोटा का स्टेशन आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। देखिए गाइस, सो इंटरेस्टिंग। इस ब्लॉग में मैं आपको कॉमेडी के साथ साथ ट्रैवलिंग भी कराऊंगा। फुल कॉमेडी, फुल ट्रैवलिंग। इतना मज़ा आने वाला है कि आप सोच नहीं सकते कितना। बहुत ज़्यादा ये अपनी ट्रेन बांद्रा हरिद्वार मुंबई से आती है या बांद्रा को जाती है। ये 5:29 तक कोटा पहुंच चुकी है। 4 बजे ये रामगंज मंडी आती है। 5:30 बजे कोटा से रवानगी लेगी। ये हमको भूख लगी, ट्रेन में बैठते ही भूख लगी, इसलिए हमने लंच पैक ले लिया। माजा, कुरकुरे। हम स्लीपर में, इसलिए हमारे ट्रेन वाले ने ट्रेन का ऑर्डर नहीं करा। हमने बाहर से ही मंगाया था खाना। व्यू देखिए आप। ट्रेन में ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, पर गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। गर्मी का मौसम है। ये भाई लोग भी केदारनाथ जा रहे हैं। ट्रेन में बैठते हमने तो ऊपर की सीट ले ली। बस के सफ़र से अच्छा तो ट्रेन का सफ़र होता है भाई लोगों। ये स्टेशन आ चुका है। अब हमारी ट्रेन का स्टॉपेज होगा कोटा से आगे का स्टेशन लाखेरी होता है। लाखेरी में ट्रेन आ चुकी है। आप देखिए लाखेरी स्टेशन का व्यू, बेहद खूबसूरत, बहुत ही आकर्षक। हरिद्वार घूमने का अलग ही मजा है। ट्रेन का सफ़र बहुत ही सुहाना लगता है। ये लाखेरी स्टेशन, यहाँ पर ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, फिर भी हम आपको इसका स्टेशन का वीडियो बना के बता रहे हैं आपको।
इस ट्रेन की वजह से हमारी ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है। एक ट्रेन निकल रही है, एक इस ट्रेन ने हमको इतना लेट कराया ना कि मुझे देहरादून पर गुस्सा आने लग गया। देहरादून वाली ट्रेन बहुत धीरे चलती है। देखो आग लगा रखी है खेतों में, अब चलिए हमारी तरह खेतों में आग लगा रखी है। ये हमारा सवाई माधोपुर स्टेशन आ चुका है। ये बहुत ही अच्छा स्टेशन है सवाई माधोपुर का। यहाँ पर सब कुछ खाने पीने को मिल जाता है। आप भी यहाँ रुको और मजे लो। मैं आपको स्टेशन, अब हम डायरेक्ट मथुरा में पहुँच चुके हैं। ये मथुरा की नज़ारा, रात हो चुके हैं, बहुत सब सो चुके हैं और आपका भाई आपके लिए वीडियो बना रहा है। ट्रेन पहुंच चुकी है मथुरा जंक्शन। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए। ये मथुरा स्टेशन का नज़ारा देखिए आप। मथुरा स्टेशन पर हमेशा भीड़ रहती है, यहाँ पर सोने लेने देते हैं फिर भी यहाँ भीड़ रहती है बहुत ज़्यादा। श्री कृष्ण भगवान की नगरी है, कृष्ण के लिए तो पब्लिक मरती है। कृष्ण जैसा भक्त प्यार करते हैं अपने भक्तों को ऐसा कोई नहीं कर पाता। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय बांके बिहारी लाल की जय हो। रात को स्टेशन पर उतरने का अलग ही मज़ा है। चहल पहल देखिए आप स्टेशन पर, कितना मस्त लग रहा है ना। ये उस साइड से मैंने लिया था, दूसरी साइड से मथुरा जंक्शन का। मथुरा जंक्शन फटाफट 5 मिनट का होल्ड है दोस्तों, मैं आपके लिए थोड़ी सी वीडियो बना दूँ ताकि आप पानी की बोतल वोटल ले लेते हैं, थोड़ी भूख लग रही है तो कुछ खा भी लेते हैं। ये स्टेशन पर पेटिस वेडिस चिप्स, ट्रेन में बहुत ज़्यादा भूख लगती है दोस्तों। आप बैठे रहोगे ना तो आपको हर एक घंटे में भूख लगने लग जाएगी। अब क्या करें, ये बर्फी, मथुरा की बर्फी, पानी की बोतल खरीदी। वापस हमारी ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है। जय श्री कृष्णा, सभी लोगों को बाय बाय, सोते रहिए मेरे कृष्ण भगवान की नगरी में। क्या कर रहे हो भाई साहब? सो जाओ ना, सो जाओ ना। ये देखो हमारी ट्रेन को देख रहे हैं लोग। इंडिया में स्टेशन पर ऐसे ही सोते रहते हैं, कोई ये नहीं है। अब ये देखिए आप हजरत निजामुद्दीन का नज़ारा। हजरत निजामुद्दीन में ट्रेन पहुंच चुकी है। मैंने आपको डायरेक्ट मथुरा से हजरत निजामुद्दीन का वीडियो बताया है। ये हजरत निजामुद्दीन में आपको दिल्ली पहुंच चुकी है ट्रेन। मैं आपको बहुत फास्ट बता रहा हूँ ताकि आप बोर भी नहीं हो और आपको मज़ा भी आए इस ब्लॉग में और ट्रेन के सफ़र का आप आनंद भी ले सको इसी के साथ। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ फिर भी एक भी आदमी को पता नहीं चल रहा है कि ये भाई ब्लॉग बना रहा है। मैं, मेरा तरीका ही ऐसा है। ये देखो भग रहे हैं। पूरी रात हम अच्छी तरीके से सोए, अच्छी शानदार नींद आई। अब सुबह हो चुकी है और हम हरिद्वार के पास पहुंचने वाले हैं। केदारनाथ जाने का प्लान बना रहे हैं हम दोस्तों के साथ।
भोले की जब मर्जी होती तभी बुलाते हैं वो। ये आपका यूपी चल रहा है, यूपी का स्टेशन आएगा दो तीन, उसके बाद देखो इन भाइयों को डर भी नहीं लगता यार, नीचे बैठे रहते हैं गेट पर। गले ट्रेन में से कोई भी कुछ फेंक दो, देखिए नजारे आप, बहुत ही मजा आ रहा है ना। आप इस चैनल को और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि हमारी वीडियो वायरल हो जाए और हम भी नए नए ब्लॉग बनाए, नई नई जगह घूमने जाएं और आपको नए नए दर्शनों के, नए नए मंदिरों के दर्शन करवाएं नए नए ब्लॉग के साथ। कितना खूबसूरत नज़ारा लगता है, एक ट्रेन निकलती है एक ट्रेन आती है, ट्रेन की पटरियों के बीच में से गाज़ियाबाद, ये आपके उत्तर प्रदेश का स्टेशन है, यूपी में पड़ता है ना गाज़ियाबाद, हमने गाज़ियाबाद में एंट्री ले ली है। गाज़ियाबाद भी 3 मिनट का होल्ड है प्रभु दोस्तों, गाज़ियाबाद चाय पीने तो चाय पी लो, चाय पीने तो चाय पी लो दोस्तों। पब्लिक भग रही है बहुत तेज, देखो 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 देखो, बहुत कम रुकती है यहाँ पे इसलिए पब्लिक भग रही है। 5:54 हो चुके हैं और हम गाज़ियाबाद पहुँच चुके हैं, हमारी ट्रेन हरिद्वार 9 बजे पहुँचेगी। ये मेरठ भी जाएगी, मेरठ हरिद्वार, मतलब इन 6 बजे गाज़ियाबाद पहुँचती। देखो इसमें डिब्बे ही नहीं है, मालगाड़ी जा रही है, एक भी डिब्बा नहीं है। ये आपके मेरठ सिटी आ चुकी है, यूपी में पड़ती है। कितनी शानदार है मेरठ, आई लव मेरठ, मेरठ की पकौड़ी बहुत ही फेमस है, आप भी आए और मेरठ में पकौड़ी का आनंद लीजिए। पब्लिक भक्ति क्यों है यार, मेरे तो समझ में ही नहीं आता, देखो भग रही है जो इधर से उधर इधर से उधर। मैं वीडियो के चक्कर में रह गया तो ट्रेन भी छूट जाएगी, इसलिए वीडियो भी बना रहा हूँ और आपका मनोरंजन भी कर रहा हूँ। मनोरंजन ही मनोरंजन है, यही जिंदगी का सार है दोस्तों। अब हमारी ट्रेन फुल स्पीड में सुपर फास्ट हो चुकी है दोस्तों, और ये देखिए आप नज़ारे, कितनी हरियाली है यहाँ पर, नहरें निकलती है ना इसलिए यहाँ पर हरियाली बहुत ज़्यादा रहती है। हाँ दोस्तों, इतनी हरियाली तो मैंने मेरी ज़िंदगी में नहीं देखी दोस्तों, राजस्थान में इतनी गर्मी पड़ रही है अभी के टाइम पर, और यहाँ देखो कितना हरियाली, इतना पेड़ पौधे है। अपनी तरफ इतनी गर्मी और इतनी यहाँ इतनी ठंडाई है पानी की वजह से। ये ट्रेन में सबको आलस आ रहे हैं क्योंकि ट्रेन बहुत, कोटा से कब की चली है शाम को 5 बजे की और अभी 9:08 बजे आदि, फिर भी हम देहरादून नहीं पहुँचे हैं, हरिद्वार नहीं पहुँचे हैं। अब हम बिल्कुल पास आ चुके हैं हरिद्वार के, हमें तैयार हो जाना चाहिए। ये लास्ट स्टॉप ज्वालापुरा लास्ट स्टॉप आता है, जो लास्ट स्टॉप आ चुका है इसके बाद डायरेक्ट हरिद्वार आएगा। ये करीब करीब 9 बजे आपको वहाँ पे पहुँचा देगी, ये वंदे भारत जा रही है। देखो ये लास्ट स्टॉप है, इसके बाद डायरेक्ट हरिद्वार में मिलेंगे अपन। हरिद्वार का तो मज़ा ही अलग है यार, वहाँ का तो, यहाँ आते कितनी ठंडाई हो रही है।
देखिए दोस्तों, शानदार तरीके से आपको मैंने ये सफ़र करवाया है। कभी भूलना मत और मेरी वीडियो को शेयर करना ताकि मैं वायरल हो जाऊं और आपका दोस्त यूट्यूबर बन जाए। यूट्यूब एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है दोस्तों, इससे आप फुल स्पीड में, ट्रेन चल चुकी है, लास्ट स्टॉप अपना हरिद्वार आने वाला है, बिल्कुल दिल थाम के बैठे है। हरिद्वार के पूरे दर्शन कराऊंगा मैं आपको और उसके अगले ब्लॉक में हरिद्वार के हर की पौड़ी, शांति कुंज और गंगा माता के दर्शन कराऊंगा। इस ब्लॉग में मैंने केवल ट्रेन का सफ़र डाला है ताकि वीडियो लंबी ना पड़े। और हम फिक्स 9:30 बजे हरिद्वार पहुंच चुके हैं। ये हरिद्वार स्टेशन का व्यू देखिए दोस्तों, ये एक आदमी मुंडी निकाल रहा है, मन करता है इसके 2 थप्पड़ दूँ। ये आ गया हरिद्वार, कितना साफ है यार, कितना साफ सफाई है, मस्त कर रखा है हरिद्वार स्टेशन। ये हरिद्वार अब हमको करना पड़ेगा। हिप हिप हुर्रे, हमने हरिद्वार में प्रवेश कर लिया है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है यार। मैं मेरी ज़िंदगी में पहली बार हरिद्वार आया हूँ। सो स्वीट, सो स्वीट, बहुत ही स्वीट हरिद्वार है यार। पता ही नहीं चल रहा किधर चलना है, थोड़ा सा काटना पड़ेगा। ये हमने सीढ़ियों का इस्तेमाल करा है और सीढ़ियों से हम कहाँ जा रहे हैं, हरिद्वार स्टेशन के बाहर जा रहे हैं। सीढ़ियों से हमने बाहर जाने की सोची। ये हमारा भाई बैग टांग के जा रहा है आगे आगे, हम इसके पीछे पीछे व्लॉग शूटिंग कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ है ना हरिद्वार में। ये एक आदमी तो नीचे ही सो रहा है, देखो। बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं हरिद्वार आने पर। देखो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, घूम भी रहा हूँ। ये देखो व्यू हरिद्वार स्टेशन का। महाकाल की मूर्तियां बैठी हुई है, बना रखी है लोगों ने। ये देखिए आप, कितना साफ सफाई, कितना अच्छा नज़ारा। अब मैं आपको अगले ब्लॉक में हरिद्वार पूरा घुमा दूंगा, आप बस मेरे साथ बने रहिए और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। मैं उसको भी डाल दूंगा 1-2 दिनों के अंदर, ये हरिद्वार स्टेशन का बाहर का नज़ारा। सो स्वीट, ये एक भोलेनाथ की मूर्ति बना रखी है, एक वाइट कलर की मूर्ति बना रखी है, देखिए आप। शिव जी, जय महाकाल, जय महाकाल। भाई दोस्तों, अब हम हमारे मुकाम की तरफ जा रहे हैं, कड़की पौड़ी, गंगा नदी की तरफ, माता गंगा में दर्शन करने। उत्तर रेलवे हरिद्वार, कौन से हो मैं ऑटो में बैठा यार मैंने।